हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम घर पे बना हुआ देसी घी बनाएंगे। देसी घी बनाने के लिए सबसे पहले दूध में जमी हुई मलाई को एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मलाई कितनी मोटी जमी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने दूध को बॉईल करने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर किया था, जिसकी वजह से मलाई थोड़ी मोटी जमी है। अब जिस बाउल में हमने मलाई निकाली थी उस बाउल को भी फ्रिज में स्टोर करेंगे और इसी तरीके से रोज ही मलाई को इसमें स्टोर करते रहेंगे और लगभग 7-8 दिन की मलाई को इसमें स्टोर कर लेंगे। देखिए 7-8 दिन की मलाई स्टोर हो चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं। हमने पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे। और सारी मलाई को गर्म पानी में डाल देंगे। अब जो हमने पानी निकाला था उससे बची हुई मलाई को भी गर्म पानी में डाल देंगे। अब इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे, जिससे सारी मोटी मलाई पानी में अच्छे से घुल जाए। ध्यान रहे हम इसको ज्यादा नहीं उबालेंगे, इसे हल्की गैस पर ही रखेंगे, क्योंकि हमने मलाई को ऑलरेडी फ्रिज में रखा था जिसकी वजह से मलाई बहुत ठंडी हो चुकी है। तो सिर्फ इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए इसे गर्म करेंगे और फिर इसमें दही डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे, फिर इसे एक और बार विस्क करेंगे और इसे ढककर दही की तरह जमने के लिए रख देंगे। देखिए ये हल्का गर्म हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। ध्यान जरूर रखिएगा कि हम इसे बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे। अब इसको ढककर 6 घंटे के लिए रख देंगे और जब ये जम जाएगा तब इसे 2-3 दिन के लिए फ्रिज में और अच्छे से जमने के लिए रख देंगे। 2 दिन हो चुके हैं, मलाई को देख लेते हैं। देखिए कितनी ठंडी हो चुकी है और मलाई भी अच्छे से जम चुकी है। अब हम एक और बार पानी को गर्म कर लेंगे। और एक मिक्सी जार लेंगे। अब जमी हुई मलाई को मिक्सी जार में डाल देंगे। ध्यान रहे मलाई अच्छे से जमी होनी चाहिए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे।
इसको बीच में से खोलकर देख लेंगे। देखिए ये थोड़ा लिक्विडी है और इसमें मक्खन ऊपर चढ़कर नहीं आया है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंड हो गया है। देखिए पहले इसमें मक्खन नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसमें मक्खन ऊपर आ गया है और इसी मक्खन से घी निकालेंगे। अब इस बर्तन में नीचे बचे हुए पानी को निकाल लेंगे। और बचे हुए मक्खन को कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए फिर भी थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको भी निकाल देंगे। इसी तरीके से सारा मक्खन निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में तो मलाई ठंडी रहती है, जिसकी वजह से मक्खन आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, जिसकी वजह से मक्खन नहीं निकलता। इसलिए हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। हम एक बार मिक्सी जार को टच करके देखेंगे। अगर ये ठंडी होती है तो हम इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन अगर ये गर्म होती है तो हम इसमें और आइस क्यूब्स डालकर फिर ग्राइंड करेंगे। अगर बहुत सारे आइस क्यूब्स डालने के बावजूद इसमें से मक्खन नहीं निकल रहा है तो टेंशन ना ले, इसे 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दे और फिर इसमें से मक्खन आसानी से निकल जाएगा। सारा मक्खन निकल चुका है। कढ़ाई में भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, उसको भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम मक्खन को उबाल लेंगे। इसे एटलीस्ट आधे घंटे के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। और उबालते टाइम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि तली की मलाई जल सकती है, इसलिए इसे हम टाइम टू टाइम चलाते रहेंगे।
देखिए हमें इसे इस तरीके से चलाना है। इसे हल्की गैस पर ही उबलने देंगे। बचे हुए पानी को आप इडली बनाते टाइम यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें से कैसे झाग आ रहा है, ये बाहर निकल सकता है, इसलिए हम इसे लगातार चलाएंगे जिससे नीचे बैठ जाए। देखिए पिघलकर घी बन गया है। अब जो नीचे बचा हुआ है, जब वो हल्का रेड हो तभी गैस बंद कर देंगे, क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी ये हल्का बॉयल होता रहता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा और घी तैयार हो जाएगा। इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसे छान कर एक कंटेनर में निकाल देंगे। 10 मिनट हो चुकी है, इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। सबको छलनी में ही निकाल देंगे। ध्यान रहे हम इसको प्रेस करके घी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स घी में आ सकते हैं। इसे ऐसे ही बूंद बूंद करके घी को निकलने देंगे। और एक और बात, छलनी लोहे की ही होनी चाहिए। 10 मिनट तक घी को निकलने देंगे। देसी घी बनकर तैयार है। इसमें से तो खुशबू सुहाना ला आ रही है। बाहर के घी में मिलावट हो सकती है, लेकिन ये घर में बना हुआ प्योर घी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।